गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो थोड़ा सा इशू हो गया था जिसकी वजह से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी पहली क्लास जो है वो संभव नहीं हो पाई थी, लेकिन वापस हम जुड़ गए हैं आपके साथ। ठीक है, तो एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है, अगर आपको मैं दिख रही हूं, ठीक है, और अगर क्लास नॉर्मली रन कर रही है तो। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों, बस शुरू करते हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस। ठीक है, जो कि हमारा बीच में रुक गया था, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए वी आर कनेक्टिंग अगेन, राइट। और हाँ, एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो, ठीक है, कि भाई वापस आ जाओ जो लोग भी गए थे, ठीक है, और हम शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके, चलिए, तो करंट अफेयर्स सेशन हमारा, और अगर ऐप नहीं डाउनलोड किया आप सभी ने तो प्लीज कर लीजिए, तमाम फीचर्स हैं यहाँ पर, राइट। इसके अलावा हमारा फाउंडेशन बैच आज से लाइव हो रहा है, ठीक है, और सुबह की हमारी पहली क्लास जो है वो भी आज ही शुरू होगी, ठीक है। तो यूज करिए कोड Y573, और अगर नहीं लिया है अभी तक तो फटाफट से ले लीजिए, ठीक है। तो हमारी पहली न्यूज, जैसा कि हम बात कर रहे थे, चीतास के ऊपर थी, ठीक है, कि नामीबिया से जो है कुछ चीते लाए गए हैं भारत में, ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो गए हैं वहां पर जाकर के जो है मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है हमारा कूनो नेशनल पार्क, वहां पर इन्होंने उन चीतों को छोड़ा है, ठीक है, सो दैट वो वहां पर कुछ दिन रह सकें, फेमिलियर हो सकें, और एक दो नहीं कुछ 8 एनिमल्स लेकर के आए हैं, ठीक है, 8 एनिमल्स लेकर के आया गया है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है कल जो पेपर हुआ था, यूपीएससी मेंस चल रहा, आप सभी उससे जो है न्यूज से वाकिफ होंगे, तो यूपीएससी मेंस में जो है हमारा क्वेश्चन, हमारी क्लास का डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन जो 17 सितंबर को हमने डिस्कस किया था, वो एज इट इज आया है। गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे आए हैं, और इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन था साइबर सिक्योरिटी में, क्वेश्चन नंबर 19, आप देखना इस पेपर को उठा के, पीडीएफ शेयर की गई है ग्रुप पर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इंपॉर्टेंट है। गुड जी, ठीक है, ओके। तो नामीबिया और उसकी जो मैंने बात की थी इससे पहली क्लास में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जगह है जहां पर चीते पाए जाते हैं, जिनकी इनकी हिस्टोरिकल रेंज जो है चीतों की मिलती है, यानी 1850 में साउथ इंडिया में चीते पाए गए, 1967 में इंडिया पाए गए, ठीक है, 1894 में पाए गए, फिर 1912 में भी दिखे, 1910 में भी दिखे, 1967 में भी एक दो चीते दिखे, 40 में, 32 में दिखे, और 54 में पाकिस्तान वाले एरिया में हमें चीते देखने को मिलते हैं। अंजनी, क्लास की टाइमिंग है सुबह 7 बजे, ठीक है, आज हमने क्लास शुरू भी की थी बट बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो इसलिए हमें वो क्लास वहीं रोक करके दोबारा शुरू करनी पड़ी। क्या है करण की क्लास का टाइमिंग है, मॉर्निंग 7 AM, ठीक है, डेली मॉर्निंग में 7 बजे सुबह हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ठीक है, क्लियर है, राइट। चलिए, तो एक बार अगर आपने नहीं शेयर किया यार तो प्लीज क्लास को अच्छे तरीके से शेयर कर दो, काफी बच्चे थे हमारे साथ कुछ लाइव में, ठीक है, हम लोग 37-38 बच्चे हो गए थे सारे मिलके, सेशन कर रहे थे, मजा आ रहा था, बट बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें क्लास को रोकना पड़ा, बट वी आर बैक अगेन, ठीक है, चलिए, ओके। तो ये चीजें थी, अच्छा यहां पर ही हम थे, ये हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, कि जो हमारी ये चीतों की जो वो है, 1947 में करीब जो है, 1947 में एक महाराजा थे छत्तीसगढ़ के, एक छोटे से प्रांत के महाराजा थे, ठीक है, उनका नाम था महाराजा रामानुज प्रताप सिंह, ठीक है। तो रामानुज प्रताप सिंह जी ने क्या किया, जो 3 आखिरी चीते बचे थे, ठीक है, उनको गोली मार दी भाई, इन्होंने क्या किया, उनको गोली मार दी, जो 3 आखिरी चीते बचे थे उन्हें गोली मार दी गई, ठीक है, और वो चीते उस दिन से इंडिया के वो आखिरी 3 सर्वाइविंग चीते थे, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर ध्यान रखने की वो ये कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 जगह जो है ये चीते पाए जाते थे, ठीक है, कहां पर, एक हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इंडिया में बेसिकली, दूसरा हमारा ईरान में, और तीसरा हमारा अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका भी कह सकते हो, ठीक है। तो इंडिया और ईरान में जो चीते पाए जाते थे, ठीक है, इंडिया और ईरान में जो चीते पाए जाते थे इन्हें हम क्या कहते थे, इन्हें कहते थे एशियाटिक चीताज, ठीक है, या एशियाटिक सब स्पीसीज इनको कहा जाता था, और ये एशियाटिक चीता जो है ये अफ्रीकन से अलग थे, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, राइट। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग।
राइट, ठीक है। तो ये जो चीते थे हमारे, जो ईरान और इंडिया में पाए जाते थे, इनकी सब स्पीसीज जो है वो थोड़ी सी अफ्रीकन से डिफरेंट थी, यानी अलग थे वो, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे तीन जगह जो चीते पाए जाते हैं, अफ्रीका, ईरान और इंडिया में, तो यार इंडिया वाले तो ऑलमोस्ट विलुप्त हो गए, राइट, ये तो खत्म ही हो गए। अब बचे हमारे ईरान के और अफ्रीका के, तो अफ्रीका, ईरान में तो फिर भी कम है, राइट। अफ्रीका में काफी जगह चीते पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं अभी वो भी मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीते जो है आपके नामीबिया से, जो कि अफ्रीका में ही एक देश है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है, नामीबिया में भी चीते पाए जाते हैं, वहां से हमारे मोदी जी जो है मंगाए हैं, ठीक है। क्यों गोली मारी पंकज जी? शौक था उनका कि भाई हमें शिकार करना है, और उन्होंने शिकार कर लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे बेतुके शौक जो है बहुत लोग पालते हैं हमारे देश में, ठीक है। जस्ट ऑन द नेम ऑफ डायनेस्टीज, जस्ट ऑन द नेम ऑफ राजाज महाराजा, ऐसे अजीबो गरीब शौक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कभी कोई हिरन का शिकार कर रहा है, कोई चीते का शिकार कर रहा है, कोई जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। अरे भाई क्या है, क्यों शिकार करना है, आराम से बैठो अपने घर में, है ना, सही बात है कि नहीं, बताइए, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी। उसके बाद जो हमारा रिपब्लिक इंडिया था, 1950 में जो हम रिपब्लिक हुए, ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, उसके बाद से हमारे देश में एनिमल्स जो हैं वो ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित हो गए इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर 1952, यानी 1952 के बाद जो है हमें कहीं कोई चीता नहीं दिखा हमारे देश में, ठीक है। तो इसलिए इनको विलुप्त माना जाने लगा, और इसीलिए जो है इनकी प्रजाति को हम कहां से लेकर आए हैं, नामीबिया से, ठीक है, ओके, क्लियर है ये चीज जी। आगे चलते हैं, ये देखिए, अगर आपको ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है, मैप क्लियरली विजिबल है, आई होप सो, ठीक है। तो आप देखो यहां पर जो ये येल्लो येल्लो वाला स्पॉट है ना, यहां की बात, यहां पर अभी भी चीते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट ईरान में चीते हैं, ठीक है, फिर यहां पर चीते हैं, ओके, यहां पर थोड़े बहुत हैं, इथोपिया वगैरह में है ठीक ठाक, कीनिया में भी हैं, तंजानिया में भी हैं, ठीक है, नामीबिया एंड इन सब जगहों पर, नामीबिया में भी हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो यहां से बेसिकली ये जो नामीबिया वाला है, यहां से हमने चीते मंगाए हैं, कब, 2022 में, ठीक है। तो नामीबिया से चीते आए हैं, राइट, लेकिन जी विलुप्त घोषित हो गया था, एग्जैक्टली। मैम हिरन का नाम मतलब सलमान खान आ जाएंगे, अरे कोई भी आ जाए यार, सलमान खान आए, अमिताभ बच्चन आए, कोई भी आ जाए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, राइट जी। और यहां पर हिस्टोरिक चीतों की अगर आप रेंज देखो, यानी कि पास्ट में, हिस्ट्री में कहां कहां चीते पाए जाते थे, तो वो जितना भी आपको ये मैप दिख रहा है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इराक, ओमान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, येलो येलो से जो भी आपको दिख रहा है, इन समस्त जगहों पर पास्ट में चीते पाए जाते थे, ठीक है। खुशी कह रही है मैम, जैसा कि न्यूज में बता रहे हैं कि छोटे चीते मर पर 6 रुपए और बड़े चीते मारने पर 12 रुपया दिया जाता है, यार खुशी मतलब आप सोचो ये कितनी बेतुकी बात है कि 6 रुपए और 12 रुपए का टैग रखा जा रहा है किसी एनिमल को मारने पर, ठीक है, और दैट टू जबकि वो एनिमल ऑलमोस्ट जो है वो विलुप्त हो गया है हमारी जगह पर से, है ना। तो बेवकूफी तो है ही, बेवकूफी तो चल ही रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें होती हैं, राइट, ठीक है, तो बकवास चीजें हैं, ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि कहां कहां पर चीते पाए जाते हैं और हम क्या कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है। राइट, चलिए आ जाते हैं चीतों की थोड़ी सी, इनकी जो अफ्रीकन चीते हैं और जो एशियाटिक चीते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेना भी जरूरी है ना। तो देखो अगर आप देखोगे तो IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें, किसकी IUCN स्टेटस, तो अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है, जबकि एशियाटिक जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्यों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि भारत से तो खत्म ही हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बचे कहां पर है कि सिर्फ ईरान में आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे। मैम ये न्यूज मैं बता रही थी कि पहले ऐसा होता था, जी बिल्कुल खुशी, पहले ऐसा होता था, लेकिन आप सोचो, मैं इस बात को समझ रही हूँ कि आप मुझे न्यूज बता रहे थे, बट मैं ये सोच रही हूँ
कि आप सोचो कि लोग कितने मतलब किस लेवल के उस पे हैं, क्या जानवरों को मारने के लिए 6 रुपए 12 रुपए रख दिया था, उनका स्टेट ऑफ माइंड आप सोचो कि मतलब क्या ही रहा होगा, राइट। ठीक है, गुड मॉर्निंग अवंतिका, गुड मॉर्निंग यार। आप लोग ना सेशन को एक बार शेयर कर दो, शेयर कर नहीं रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है, सिर्फ 10-14 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा यार, शेयर करो एक बार जमकर, ठीक है, अच्छे टॉपिक्स हैं आज के, राइट। तो ये चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा साइट्स स्टेटस जब आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपेंडिक्स 1 में है अफ्रीकन चीता और अपेंडिक्स 1 में ही है एशियाटिक चीता, भी दोनों कॉमन है। अफ्रीकन चीता की बात करें तो लगभग 6500 से 700 अफ्रीकन चीता आज भी प्रेजेंट है, जबकि एशियाटिक की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 40 से 50 चीते मिलते हैं, कहां पर, ईरान में, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैलाश, गुड मॉर्निंग बुशरा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो अफ्रीकन चीते होते हैं, ठीक है, यानी जो मंगाए भी गए हैं अभी नामीबिया से, उनकी बात करो तो इनकी साइज जो है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू एशियाटिक चीतास, राइट। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एशियाटिक चीते जो हैं ये नॉर्मली साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, अफ्रीकन चीतों से, और इनकी बॉडी पर फर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, इनकी बॉडी पर फर ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, और यूजुअली इनकी लाल आंखें होती हैं और बिल्ली की तरफ कैट लाइक प्रोजेक्शंस इनको देखने को मिलती है, ठीक है जी। ईरान में ओनली 40 से 50 बचे, हो सकता है वहां भी अगर कोई शिकारी शौक वाले लोग आ गए ना तो वो भी विलुप्त होते, समय नहीं लगेगा, फिर हमारा पूरा का पूरा आपका एशिया वाला जो पोर्शन है वो खाली हो जाएगा चीतों से, ठीक है। तो ये है इनकी इमेजेस, ये दी हुई है, इसको आप देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको इमेज के थ्रू बताएंगे। अब देखो यहां पर आपको 3 चीतों की वैरायटी दिख रही होगी, राइट। अरे भाई जसवीर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार क्या होता है ना कि इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि कई बार एक दो नाम छूट जाता है, बट कोई बात नहीं, आप जो है फिर से बता दिया करो, ठीक है जी, ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, चीता जो है आपको, अगर नॉर्मल हम चीते की बात करें, 3 वेराइटीज इसमें हमें देखने को मिल रही है। एक है हमारा चीता, दूसरा है लेपर्ड और तीसरा है जैगुआर, राइट। ये 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जी 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 मयंक, 12 एशियाटिक चीते बचे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पर अगर आप चीतों को देखोगे तो चीता का स्मॉल और राउंडेड हेड होता है, ठीक है, इनका हेड, इन तीनों के हेड्स डिफरेंट है, ठीक है, इनका स्मॉल राउंडेड है, इनका थोड़ा सा बड़ा और एंगुलर है, ठीक है, और इनका जो है ये लार्ज राउंडेड है, मतलब ये राउंड में ही है बट लार्ज हो गए हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पर आपको ऐसे ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं, इनकी बॉडी पर स्मॉल और यहां पर लार्ज रोजेट्स मिलते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है इन तीनों में ही, राइट। चलिए आज का हमारे कोट पर आ जाते हैं, यार मोटिवेशन भी जरूरी है ना, तो मोटिवेशन कहां से मिलेगी हमें, हमारे कोट से। क्या कह रहा हमारा कोट, कि जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि बदल क्या सकते हैं, हम बदल सकते हैं कि अगर हमारी प्रिपरेशन में कहीं कमी है तो उसको हम बदल कर अच्छी कर सकते हैं, और क्या नहीं बदल सकते हैं कि इन केस अगर हमारा रिजल्ट जो है वो नहीं अच्छा आता तो उसको हम बदल नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, उसको हम स्वीकार करेंगे, ठीक है, उसको स्वीकार करेंगे और उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, राइट। और जो स्वीकार भी ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जी हाँ। बिकॉज आपको पता होगा अभी आज ही न्यूज आई है कि एक जो है नीट की तैयारी करने वाले एक बच्चे ने सुइसाइड कर लिया, और नोट में जो है सॉरी मम्मी और पापा लिखा उसने, ठीक है। एक बच्चा जो कि बाहर आता है घर से तैयारी करने, ठीक है, तैयारी हो भी रही होती है, कोशिश भी हो रही होती है, पढ़ता हर कोई है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जब उस परीक्षा का फल नहीं मिलता तो उस बच्चे पर क्या गुजरती है, ये सिर्फ और सिर्फ या तो वो बच्चा समझ सकता है या फिर आप और मैं जो कि हम लोग भी उसके साथ तैयारी कर रहे हैं शायद हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज नहीं स्वीकार की जा रही है, अगर आप फेलियर को नहीं फेस कर पा रहे हो तो यार छोड़ दो उसको, वहीं छोड़ दो, ड्रॉप इट। पहले अपने आप को समझाने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, इस बार फेल हुए, अगली बार फेल हुए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन
अपने आप को दुख मत पहुंचाओ उसके चक्कर में, क्योंकि दोस्त अगर तुम ही दुखी रहोगे तो फिर बाकी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप रात को सोने जाते हो ना, तो ये चीज क्लियर करके जाया करिए अपने दिमाग में कि बाकी चीजें जाए भाड़ में, ठीक है। आप संतुष्ट हो या नहीं अपने आप से, ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो स्वयं से, तो कोशिश करो चीजों को बेहतर बनाने की, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रही है तो छोड़ दो, जाने दो, मतलब जान नहीं देनी है, राइट, ठीक है जी। बिल्कुल खुशी, असफलताओं से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, ये मैं भी कह रही हूं, उससे डट कर सामना करिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इतने सारे मेंटोर्स हैं, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जान नहीं देनी है, ठीक है, बस ये इतना सिंपल सा है। लड़िए, परेशानी आती है, असफलता आती है, उसको फेस करिए, लड़िए, मैं मना नहीं कर रही हूं। बट अगर ये लगे कि यार बिल्कुल नहीं हो पा रहा, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, अब मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, तो कोई बात नहीं यार, बहुत लोग हैं, मैं हूं आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत ही जल्द किसी दिन अगर समय मिला तो अपनी स्टोरी जरूर शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है, कि यार किस तरीके से असफलताएं जो है आपको तोड़ देती हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने संघर्ष नहीं किया, अपने टाइम में सब कोई करता है, ठीक है जी। मैं मरना नहीं चाहिए, चाहे हार जाए पर कोशिश करना चाहिए, पर मरना नहीं चाहिए, मम्मी पापा का सारा जी। बिल्कुल, देखिए पंकज ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाप मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी से किया हुआ मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, बिल्कुल सही बात है, राइट 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 गाइस राइट। तो मतलब यहां पर मेरा ये है कि सब कुछ करो, अपना बेस्ट दो, बट उसके साथ साथ अपने मेंटल पीस का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बहुत जरूरी है वो चीज, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो आगे आते हैं, हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्विज देख लेते हैं। तीन क्वेश्चन है आपके लिए करंट अफेयर्स के, कब इसमें से क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता, बट चलिए देखते हैं, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन हमारा आ चुका है, लेट्स से हमारा फोकस अब नेक्स्ट प्रीलिम्स है। तो पहला क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, हु रिलीजेस दिस। चार एग्जाम ऑप्शन है आपके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, तीसरा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फटाफट से जो है कमेंट करके बताइए कि ये जो आपके एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो इन चारों में से कौन रिलीज करता है। अपने ऑप्शंस दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, चलिए ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे, राइट, ठीक है। क्वेश्चन आई होप सबने देख लिया हो, क्लियरली विजिबल हो, ठीक है, इसका आंसर दीजिए, और तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिस टेक्नोलॉजी ने अभी हमारी क्लास को भंग भी किया था, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बोथ वीओ एलटीई एंड वीओ वाईफाई वर्क विथ 4G एलटीई, राइट, एलटीई मोबाइल कोर नेटवर्क टू एस्टैब्लिश द नेसेसरी कनेक्शंस फॉर इनेबलिंग वॉइस या फिर टेक्स्ट सर्विसेज। यानी कि दोनों ही, चाहे वो वोल्ट हो चाहे वो वाईफाई हो, ठीक है, ये दोनों ही 4G LTE मोबाइल कोर नेटवर्क के साथ मिलकर काम करते हैं। क्यों? सो दैट एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सके वॉइस और टेक्स्ट सर्विसेज के बीच में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि VoNR requires a 5G मोबाइल कोर नेटवर्क दैट facilitates वॉइस कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस ओवर द पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5G NR नेटवर्क जो है वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकता विथ 4G LTE। तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके यहां पर, ठीक है, और पहले क्वेश्चन का सभी ने बी आंसर दिया, एक बच्चे ने सी आंसर दिया, चलिए वो हम देखेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो यहां पर आपके ऑप्शन है ए वन ओनली, बी वन एंड टू ओनली, सी टू एंड थ्री ओनली, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करिए, 2ABC ऐसे करके, ठीक है, 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, 2 पॉइंट जो भी आपका आंसर है, राइट, ओके। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इंडियन हेरिटेज और कल्चर के बारे में दी गई जानकारी को पढ़िए और अपना आंसर करिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अनंग ताल जो कि एक स्मॉल इनलैंड लेक है, ठीक है, और रिसेंटली जो है नोटिफाई किया गया है
एज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि अनंत काल को नेशनल इंपॉर्टेंस रिसेंटली नॉमिनेट किया गया, नोटिफाई किया गया है. ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये जो है क्रिएट हुआ था किंग अनंगपाल टू से के द्वारा, जो कि तोमर डायनेस्टी के थे. तो यानी कि किंग अनंगपाल जो है जो कि तोमर डायनेस्टी के थे, उन्होंने वो किया था. जी बिल्कुल बिल्कुल आईएस रतन, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो ये चीजें हैं राइट. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो रेगुलेट करता है हर प्रकार की आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज को जो कि हमारे देश में होती हैं. ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट. ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है वो वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन अकॉर्डेंस, ठीक है, विथ प्रोविजंस ऑफ एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, जो कि एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की. तो थ्री का क्या आंसर होगा? स्टेटमेंट है आपके ऑप्शन है ए वन ओनली, बी वन एंड टू ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, या फिर डी टू एंड थ्री ओनली. फटाफट से थ्री का आंसर बताइए. थ्री ए, थ्री बी, थ्री सी, थ्री डी क्या होगा? फिर ही हम आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई. ओके, करंट अफेयर्स की दृष्टि से अगर हम देखें तो आगे चलते हैं हम अपने प्रीलिम्स फोकस्ड फैक्ट्स के ऊपर. ठीक है, कि कौन सी ऐसी न्यूज आज के न्यूज़पेपर में आई है जहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना? तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है हमारे. पहला जो हमारा न्यूज है वो ये है कि भाई वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया कल 18 सितंबर को. एम क्या था? एम ये था कि यार बैम्बू के रिगार्डिंग जो है बेनिफिट्स जो होते हैं बैम्बू से, हमें उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जा सके और उन्हें हर दिन जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रमोट किया जा सके उनके यूज को. ठीक है, इसलिए इनको मनाते हैं. थीम क्या था इस बार के वर्ल्ड बैम्बू डे का? थीम था बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कि भाई हमें जो है बैम्बू के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने थे. क्या क्या थे? सबसे पहले तो हमारा बैम्बू क्लस्टर करके एक इनिशिएटिव है. ठीक है, बैम्बू क्लस्टर में जो है आपको रिसेंटली जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वर्चुअली उन्होंने इनॉग्रेट किया था 22 बैम्बू क्लस्टर्स को. ठीक है, खुशी किससे? बैम्बू वाले से, मेंस का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, अगर बनेगा भी तो स्कीम्स पे बनेगा, वो हम कवर कर रहे हैं. ठीक है, ओके राइट, चलिए. तो बैम्बू क्लस्टर्स को रिसेंटली जो है इनॉग्रेट किया गया, 22 बैम्बू क्लस्टर्स को 9 स्टेट्स में. कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटका. यानी इन 9 स्टेट्स में 22 बैम्बू क्लस्टर्स को जो है यहाँ पर प्रमोट किया गया है. ठीक है, इनॉग्रेट किया गया है. दूसरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का ये था कि जो एमएसपी है, ठीक है, एमएसपी जो है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि यार मिनिमम आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, फार्मर्स के लिए ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट. एमएसपी को बढ़ा दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया गया है. ठीक है, इसको फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए एमएसपी को बढ़ा दिया गया है. राइट, इसके अलावा जो नेशनल बैम्बू मिशन है हमारा, ठीक है, नेशनल बैम्बू मिशन को रीस्ट्रक्चर किया गया है और ये लॉन्च हुआ था 2018-19 में, जिससे कि होलिस्टिक यानी कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, नहीं मैम, चीते वाले से, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या इंडिया क्या कर रही है इससे रिलेटेड, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं खुशी. ठीक है, ओके. मोहम्मद सलमान, कोई बताएगा बैम्बू इज ग्रास और ट्री? यार बैम्बू इज अ ट्री, ठीक है, बांस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना, बांस का पेड़ देखा होगा ना आपने, तो बैम्बू ग्रास की बात नहीं हो रही है यहां पर. जो बांस है आपकी उसकी मतलब क्लस्टर्स में जो है ये उगते हैं. ठीक है, ये चीज भाई ग्रास नहीं बुशरा, यहां पर हम बैम्बू क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, बांस की बात कर रहे हैं. ओके, थोड़ा सा जो है डिफरेंस है. ओके ठीक है,
बैम्बू मिशन क्या है, तो देखिए जो रीस्ट्रक्चर था वो बता दिया आपको हमने, होलिस्टिक डेवलपमेंट और कंप्लीट जो है बैम्बू की जो भी जो आपके सेक्टर्स है उसकी उसको जो है पहचानने के लिए जो है हमारी, अभी जो आप लोग बार बार घास और बांस की बात कर रहे हो हम उस पर ही आ जाते हैं, ठीक है उस पर ही हम बात कर रहे हैं। क्या क्यों आप लोग घास कह रहे हो? अगर आप इस वजह से घास कह रहे हो कि भाई आपका जो है इसको जो है फॉरेस्ट ट्रीज में से हटा दिया गया है तो ठीक है उस हिसाब से ठीक है, बट मेनली जो है बैम्बू जो है आपको विलेज पर ही, विलेज एरियाज में ही मिलते हैं। और देखिए बताया भी है खुशी ने कि बैम्बू से विलेज में घर बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है भाई, बिल्कुल बनाया जाता है ठीक है। चलिए तो इसको जो है ट्री की कैटेगरी से हटा दिया गया था 1927 की जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसको अमेंड करके जो है 2017 में बैम्बू को ट्री की लिस्ट से हटा दिया गया था, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बुशरा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ऑल राइट, ठीक है चलिए, आ जाते हैं अगली न्यूज पर। हमारी अगली न्यूज है कि चाइना ने लश्कर ए तैयबा का 26/11 के एक उसको जो है टेररिस्ट को जो है ब्लॉक कर दिया है। क्यों ब्लॉक कर दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, तीसरी बार जो है ये हुआ था ठीक है, तीसरी बार ये समस्या देखी गई थी। देखिए थोड़ी देर जो है संयम बरतिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा ओके, क्योंकि इसकी मैंने अभी कंप्लेन भी की थी राइट। जी ये बफरिंग डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई कैन, बट क्या किया जाए इसमें कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है अपने एंड से ठीक है, लेट्स सी अगर ये डेटा ठीक हो जाता है तो। सिर्फ मेरी वॉइस आ रही है ठीक है, जी आई गेस ये स्टेबल हो गया है राइट क्योंकि मेरे में अभी फिलहाल एक्सेलेंट दिखा रहा है। चलिए फटाफट से जो इसको हम करते हैं, इस न्यूज में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इस व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है, लश्कर ए तैयबा का कमांडर है ये साजिद मीर ठीक है। इसका जो है इसको तीसरी बार जो है चाइना ने जो है ब्लॉक कर दिया है, इंडिया और यूएस दोनों मिल करके इस पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 टेररिस्ट की जो लिस्ट है उसमें डालने वाले थे ठीक है। इंडिया और यूएस, चाइना हर वक्त ब्लॉक कर देता है ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों का कंबाइंड पीडीएफ होता है यूपीएससी 2024 ठीक है। तो ये थी, इसके अलावा अगली न्यूज जो हमारी है वो है 10% कोटा एसटीज के लिए, यानी स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए 10% कोटा जो है वो नेक्स्ट वीक से जो है अप्लाई कर दिया जाएगा। जो सीएम है आपके तेलंगाना के, उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन डे पर ये जो है मुद्दा रखा है ठीक है कि भाई 10% कोटा जो है वो कर दिया जाए राइट। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये इसमें जो है कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं हम एक बार ये देख लेते हैं, रिवीजन हुआ है राइट ठीक है। तो इस रिवीजन के तहत कैबिनेट सेक्रेटरी ने अप्रूव किया है एसटी लिस्ट को एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, जिसमें चार ट्राइब्स हैं। कौन कौन सी ट्राइब्स है भाई? ट्राइब्स है हमारी हट्टी ट्राइब इन ट्रांसगिरी ठीक है, एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है, नारी कोरावन और कुरी विकाकरण ठीक है तमिलनाडु में, और इनके अलावा बिंजिया जो है छत्तीसगढ़ में। तो इन ट्राइब्स का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किसको किसको ऐड किया गया है और कौन किस जगह से है, प्लीज वो चीज देख लेना ठीक है ओके, ये चीज आपको देखनी होगी। इसके अलावा जो हट्टीज है हमारे ठीक है, ये क्लोज निट कम्युनिटी है
ठीक है, हु टेक देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, यानी इनका जो भी काम होता है लाइक वर्क ऑफ सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, मीट, वूल एटसेट्रा, ये वहां पर काम करते हैं, ठीक है। और नारी कोरावन जो है इनको जैकाल कैचर्स कहा जाता है, जबकि कुरु विकारास को बर्ड ईटर्स, ठीक है। ये लोग जो है नॉमेडिक ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, और बिंजिया जो है वो एक एथनिक ग्रुप है जो कि कहां मिलता है आपका उड़ीसा के आसपास या फिर छत्तीसगढ़ के आसपास जो है आपका ये मिलता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में इनके पास जो है कल्चर वगैरह वाली चीजें जो है हेरिटेज काफी अच्छे उसमें जो है दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो अमूल, ठीक है, अमूल से रिलेटेड, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल पीता है इंडिया, आपने अक्सर सुना होगा, राइट। तो जी शुभम, इस मामले में चीन चाइना जो है हमेशा अड़ंगा लगाता है, तीसरी बार लगातार उसने जो है ये अड़ंगा लगाया है ऑन द यूएनएससी फ्रंट, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग से उठाया गया ये, और इनॉग्रेट किया है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, कहां पर, ग्रेटर नोएडा में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और जी इंडिया एक्सपो सेंटर है, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है, वहीं पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो हमारा है ये लीडिंग सोर्स है साइंटिफिक टेक्निकल एक्सपर्टीज का, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं डेयरी वाली चीज में उनका, ठीक है। ऑलराइट यार, मेरे एंड से कनेक्शन बिल्कुल सही जा रहा है, कुछ ही प्लीज एक बार अपना नेट जो है रिफ्रेश कर लीजिए। जी ओके, सिंस 1903 यानी 1903 1903 के लगभग जो है आपका IDF का नेटवर्क जो है डेयरी एक्सपर्ट्स का वो प्रोवाइड, उसको प्रोवाइड किया गया था एक मैकेनिज्म, एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके द्वारा डेयरी सेक्टर जो है वो पहुंचता है अ ग्लोबल कंसेंसस ऑन हाउ टू हेल्प फीड द वर्ल्ड विद सेफ एंड सस्टेनेबल डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी ये मैकेनिज्म था कि किस तरीके से हम एक अच्छा सस्टेनेबल डेयरी प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हाइलाइट्स क्या थे हमारे IDF डेयरी समिट के, वो ये थे कि भाई IDF वर्ल्ड डेयरी समिट जो है वो एक एनुअल मीटिंग है ग्लोबल डेयरी सेक्टर की, क्या है, एनुअल मीटिंग है डेयरी ग्लोबल सेक्टर की। मोहम्मद सलमान का क्वेश्चन है कि मैम, वन क्वेश्चन है मेरा, मिल्क सेपरेट रखने के लिए कितने ग्राम तक यूरिया मिल्क में मिक्स कर सकते हैं। भाई कितने ग्राम तक यूरिया मिल्क में मिक्स कर सकते हैं, तो बहुत ही आपका मतलब जो व्यक्ति जिसका एकदम नाप जोक्स अच्छा होगा वही आपको बता पाएगा। इसका एग्जैक्ट सही आंसर तो मुझे फिलहाल नहीं पता, बट मैं आपको पता करके जरूर बता दूंगी, ठीक है सलमान जी। चलिए तो एनुअल मीटिंग ऑफ ग्लोबल डेयरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड डे समिट का जो है एनुअल मीटिंग है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1500 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहां पर आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग रणदीप, ठीक है। और लास्ट सच समिट जो है वो कब हुआ था, वो भारत में हुआ था इससे पहले 1974 में, यानी ऑलमोस्ट 50 साल, हाफ अ सेंचुरी अगो जो है आपका ये समिट हुआ था इंडिया में, और उसके बाद ये अब हो रहा है, तो इसकी चीजें देख लेना इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज हमारी है वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2022 से रिलेटेड। जो भी ये रिपोर्ट्स आती हैं इसको जरूर देखा करिए, रिपोर्ट्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में प्रीलिम्स लेवल पर, ठीक है। और ये IEA द्वारा प्रकाशित होती है, ठीक है। क्या है ये सारी चीजें, चलिए समझते हैं। तो विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2022 जो है हमारी, ये प्रिपेयर करता है कौन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि IEA जो है वो इसको प्रिपेयर करता है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल एनर्जी, ठीक है, जितनी भी हमारी विश्व भर की एनर्जी वर्कफोर्स है उसके ऊपर इन्वेंट्री देता है। की फाइंडिंग्स क्या हैं, देखिए एनर्जी सेक्टर इंप्लॉयड है कितना करती, कितने लोगों को इंप्लॉयड करता है, लगभग 65 मिलियन लोगों को रोजगार देता है हमारा
एनर्जी सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा 2000 और ये 2019 का डेटा है लगभग, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट है ऑलमोस्ट 2% ऑफ द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट को, यानी विश्व भर में जितने लोग इम्प्लॉयड हैं उनके उस पर जो है लगभग लगभग ये आपका 2% जो है रोजगार को समाहित करता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्लीन एनर्जी है वो इम्प्लॉय करती है 50% ऑफ द टोटल एनर्जी वर्कफोर्स, ठीक है, और ओवर हाफ ऑफ एनर्जी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहां पर है, वो आपका एशिया पैसिफिक रीजन में है। एशिया पैसिफिक रीजन में आपकी आधी वर्कफोर्स जो है जो कि एनर्जी सेक्टर में इंप्लॉयड है वो दिखती है, ठीक है। अब जितने भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑफ देयर कंपोनेंट्स, ठीक है, वो एक सबसे बड़ा ड्राइवर माना जाता है किसका, एनर्जी एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें जो है काफी लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इम्प्लॉयड रहते हैं, बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारा यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच जो कि आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, ये लाइव हो गया है, 3.0 बैच है, तो Y573 का कोड यूज करिए और ये कोर्स आपको इससे भी कम में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप और कोई भी कोड यूज करोगे तो आपको ये प्राइस मिलेगा, बट अगर आप ये कोड यूज करोगे तो ये कोर्स आपको महज कुछ 8-9 हजार रुपए का पड़ेगा, ठीक है। चलिए आंसर्स पर आ जाते हैं, जो हमने पहले 3 क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। अरे भाई आंसर तो देख लो, ठीक है, आंसर्स पर आ जाते हैं। नहीं नहीं क्लास ओवर नहीं हुई है, 3 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किए थे, राइट, उसके आंसर्स पर आ जाइए, ठीक है। आंसर नहीं जानना आप लोगों को, क्या सही क्या गलत, कितना किसका सही हुआ है, अभी तक में पहले दिन 0 पे थे सभी लोग, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन जो है 1-1 हुआ, देखते हैं आज कितना स्कोर है आप लोगों का, राइट, ओके, चलिए ठीक है आ जाइए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है ए, क्या किसी ने ए आंसर दिया था, ये बताओ कितने लोगों ने ए आंसर दिया था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जो है आया है, ठीक है। तो देखिए ईपीआई जो है एक बाइनियल इंडेक्स है जो शुरू हुआ था 2002 में, ठीक है, और इसको पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद येल सेंटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा 4G 5G वाला था उसका आंसर है बी, बोथ वोल्ट एंड वो वाईफाई रिक्वायर जो है करता है 4G LTE का, ठीक है। VoNR रिक्वायर करता है 5G मोबाइल कोर नेटवर्क, और 5G NR नेटवर्क जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता 4G LTE से, बट दे कैन ऑल्सो वर्क एज स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क, ठीक है, ओके, राइट। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था, ठीक है भाई, क्वेश्चन जो है आपका स्टार्टिंग के सेशन में था रणदीप जी, ठीक है, तो प्लीज कल से लेट नहीं होना है, राइट। जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है बी, अनंगताल लेक वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर है हमारा बी अनंगताल, ठीक है। ये एक स्मॉल इनलैंड है, ठीक है, जो कि क्लेम करता है कि भाई इसको 1060 में तोमर किंग अनंगपाल ने बनवाया था, हु इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ दिल्ली, ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला पॉइंट है, और फिर नेशनल मॉन्यूमेंट वाला डिस्कशन है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। देखो क्वेश्चन आपका सही हो गलत हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, जो भी गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को उठाइए और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन के साथ, आपका आगे से वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। गलत जो हो रहे हैं वो देखो, सही वाले मत देखो, सही वाले में तो तुम सही कर ले रहे हो, राइट, बट जो गलत हो रहे हैं उनको जरूर देखो। जी मोहम्मद सलमान आपका स्कोर है 1, ठीक है, बाकियों का क्या स्कोर है भाई, जी अपना अपना स्कोर बताएं सभी, क्या क्या स्कोर रहा सबका, वेरी गुड सलमान, चलिए ठीक है, हमें इसे 3 out of 3 बनाना है लगातार, ठीक है, कितना 3 out of 3, मैम कहीं से कुछ भी क्वेश्चंस दे हमें ये करना ही करना है, राइट। चलो तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे, और हमारा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का बैच जो है वो 21 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो जो भी बच्चे हिंदी साहित्य ऑप्शनल के हैं, वैकल्पिक विषय जिनका हिंदी साहित्य है, फटाफट से एनरोल करो, ठीक है। कोड क्या यूज करना है, Y573, ठीक है, आद्या मैम पढ़ाती हैं हिंदी साहित्य, ठीक है, 4 से 5 बजे का बैच है ये वाया क्वेश्चंस, जहां पर हम आपकी आंसर राइटिंग पर फोकस करते हैं, और ये बैच तो हमारा आज से शुरू हो ही रहा है,
ठीक है, आप सभी मेगा लॉन्च पे थे। इसी के साथ आज की न्यूज को हम यही खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन जाने से पहले जो भी लोग हमारी क्लास में आज पहली बार आए थे, ठीक है, आपको बता दें कि आप कोर्स कैसे ले सकते हो। तो आपको क्या करना, आपको Adda247 की वेबसाइट पर जाना है, ऑल कोर्सेज में जाइए, यहां पर आकर के आप यूपीएससी में जाएंगे, यूपीएससी सीएससी में जाएंगे, ठीक है, और यहां पर आपको ये सारे कोर्स दिख रहे हैं। हिंदी साहित्य का कोर्स अगर आपको लेना है तो ये यहां पर दिख रहा है, फाउंडेशन कोर्स ये दिख रहा है। फाउंडेशन कोर्स की हमारी वैल्यू है लगभग 41,000-42,000 रुपए, बट काफी ज्यादा है, मत लीजिए, कोई जरूरत नहीं है लेने की। क्यों? क्योंकि मैम का कोड अगर अप्लाई करेंगे यहां पर, तो देखो अब यहां पर 75% भी आपको ऑफ मिल जाएगा, 15% भी मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को इससे भी ज्यादा ऑफ मिले, तो हम आपको देंगे एक कोड जो कि है Y573। इसको आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपका कोर्स हो जाएगा 9,659, अभी भी काफी ज्यादा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको अड्डा की ऐप से लो, और अड्डा की ऐप से अगर आप लेते हो तो ये अमाउंट भी कम हो जाएगा, और ये लगभग लगभग आपका 9,100 रुपए या 9,000 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। तो इस कोर्स को मत लो यहां से, बिल्कुल अड्डा से लो, क्योंकि हम चाहते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा पैसे बचे, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी जो आज के सारे करंट अफेयर्स थे, हमने डिस्कस किया, हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया, ठीक है। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और कल सुबह इसी वक्त 7 बजे हम फिर मिलेंगे, करंट अफेयर्स के साथ हाजिर होंगे, ताकि कोई भी न्यूज हमारे पहुंच से बाहर ना जाए, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, Y573 कोड यूज करिए, बिल्कुल मैम का कोड है, यूज करिए और फटाफट से जो है आप कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।